Hello friends, my name is मोहम्मद जावेद एंड यू आर वॉचिंग लास्ट नाइट स्टडी। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मज़ेदार वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें इंफॉर्मेटिव बातें होती है बहुत सारी। तो अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो यहाँ पर हमने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ आसान लफ्ज़ों में। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हैव यू हर्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? In that case, so ये अगर दो अलग अलग टर्म को बेसिकली लेते हैं हम लोग इंडस एंड सिविलाइजेशन, तो पहले इन दो ब्राउड टर्म को ही समझ लेते हैं हम लोग। दैट इंडस का मतलब होता है बेसिकली ये एक इंडियन नॉर्दर्न बॉर्डर में, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में एक बड़ी सी रिवर है जो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान वाली एरिया को, लद्दाख वाले एरिया को और बलूचिस्तान वाले एरिया को कवर करती है। और सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा टर्म है जो रिफाइनमेंट या फिर मेंटल कल्टीवेशन के बारे में बात करती है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि इंडस रिवर के आसपास जितने भी एरिया है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री पार्टीशन जो पीरियड था उसमें जितने भी कंट्रीज थे आसपास के, उसके बॉर्डर में जो एरिया है और उस एरिया में जो रिवर है उसके पास में जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग सभ्यता भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में, उसके बारे में बेसिकली हम लोग जानने वाले। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग कहा जा सकता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, ये वो पीरियड है जब फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ। अब नाउ चूंकि ये हिस्ट्री का टर्म है तो नाउ इट इज पर्टिनेंट टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द व्यू पॉइंट्स ऑफ स्कॉलर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू फेमस राइटर कृष्ण रेड्डी, ओके, सो इन्होंने बेसिकली अपनी बुक में लिखा है कि मैच्योर पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज फ्रॉम इट्स 1900 BC टू 2600, इसको मैं ठीक कर देता हूं, 600 BC। जी हाँ दोस्तों, सो 1900 BC से लेकर 2600 BC तक जो है बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर पीरियड माना जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए इस तरीके से तो इसके इसका एक और भी डेट है जो मैच्योर पीरियड तो नहीं बल्कि इसके ओरिजिनेशन के बारे में बात करता है, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, एंड दैट इज फ्रॉम 3500 BC टू 1800 BC। अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक पीरियड माना जाता है, लेकिन प्रीवियसली जो मैंने अभी एक डेट कवर किया है वो उससे रिलेटेड है, जो उसके मैच्योर पीरियड के बारे में बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा ये भी जानना जरूरी है कि क्या दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में क्या और भी इस टाइप की कोई सिविलाइजेशन होता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो और भी डिफरेंट कॉर्नर्स में सिविलाइजेशन हुए है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग करके यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द टिग्रिस जो कि आपका मेसोपोटामिया में हुआ। जी हाँ, तो पहले सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अराउंड 5000 BC दिस सिविलाइजेशन टुक प्लेस इन मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BC। उसके बाद दूसरे सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि द नाइल, आपने सुना ही होगा नाइल के बारे में, अ रिवर सिचुएटेड इन इजिप्ट। ओके, सो ये दूसरा सिविलाइजेशन है जो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइम है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ तो उसी टाइम में वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में ये टिग्रिस जो कि मेसोपोटामिया में है और जो नाइल जो कि इजिप्ट में है, यहां पर दो अलग अलग सिविलाइजेशन उसी टाइम में सिमिलर टाइम में चल रहे थे। अब आते हैं इसके बाद नंबर थर्ड जो कि कवर करता है द ह्वांगहो।
जी हाँ, होएंगो, ये बेसिकली एक रिवर का नाम है जिसको हम लोग येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो बेसिकली चाइना में ये है, तो चाइना में भी कहीं ना कहीं अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली इन बेसिक सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सो सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि फर्स्ट अर्बनिज्म को मार्क करता है, तो अगर ये फर्स्ट अर्बनिज्म को मार्क कर रहा है तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ सिटीज को क्रिएट किए होंगे। तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले सिटीज को क्रिएट किया गया था, या फिर वहां के जो वाइड स्केल टेक्निक्स के जरिए जो वहां पर सिटीज को बनाया गया था, दैट इज अराउंड 3500 BC। ओके ओके, जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये थी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ सिविलाइजेशन। अगर हम लोग बात करेंगे कि सिविलाइजेशन है, तो फिर इंडिया में सिविलाइजेशन हुई, तो जाहिर सी बात है इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में भी होना है। तो हम लोगों ने एक यू नो छोटे पैटर्न पे जाने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉमन फीचर्स के बारे में। कॉमन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, ओके, सो बेसिकली ये कॉमन फीचर्स जो सिविलाइजेशन में होता है, इसमें बेसिकली कुछ स्केल्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे यू नो मेकिंग टूल्स, ओके, लार्ज स्केल, बिल्डिंग, अर्बनिज्म, एग्रीकल्चरल टेक्निक, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अलावा और भी है। बेसिकली ये बेसिक कहा जा सकता है कि कॉमन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन है, दिख रहा है आप लोगों को आई गेस। ओके, सो अब मैं बात करूंगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने बात किया है कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार दिया हम लोगों ने, फिर कॉमन से फीचर्स के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट और एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये सिविलाइजेशन या फिर ये सभ्यता वाला, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो, बेसिकली 20th सेंचुरी से पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 20th सेंचुरी कहने का मतलब है कि शुरू के 2 डिकेड्स में इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन बाय द टाइम इन द ईयर 1920, ओके 1920, लेकिन 1920 कहने का मतलब ये नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया गया, बल्कि जो सिटीज और जिन चीजों को डिस्कवर किया गया था, एक्सकवेट किया गया था, तो ये वो ईयर है जिसको हम लोग लैंडमार्क समझते हैं, 1920s, पर्टिकुलरली 1921 एंड 1922, ये दो सिग्निफिकेंट ईयर्स हैं। अब इन दो सिग्निफिकेंट ईयर्स में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अर्बनिज्म हो रहा है, जो सिटीज को बनाया जा रहा है, बेसिकली दो अहम सिटीज है। 1921 में सबसे पहले एक सिटी को एक्सकवेट किया गया जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ओके, अगेन इन 1922, दैट इज मोहनजोदारो। आप लोगों ने फेमस मूवी तो देखी होगी ऋतिक रोशन की, दैट इज मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो। सो ये बेसिकली दो अलग अलग यहां पर उन दो अलग अलग बड़ी पर्सनालिटी है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। मैं अभी इसको मिटाकर नाम लिखने जा रहा हूं, हरप्पा और मोहनजोदारो फिर से लिख रहा हूं, और सेपरेट करके मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, ऐसे लिखता हूं हरप्पा 1921, ओके,
और जिन्होंने एक्सकवेट किया वो मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर। तो अगेन ठीक एक साल के बाद ये जो है राखालदास बैनर्जी के जरिया डिस्क एक्सकवेट होता है। देख सकते हो। ओके सो थैंक यू वेरी मच। ओके सो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कॉमन फीचर्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये बड़े बड़े जो दो अर्बनिज्म जो मार्क कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, अलग अलग वक्त में कैसे किन लोगों ने एक्सकवेट किया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इंडिया वाला जो टर्म हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, आप लोगों में से कितनों को पता होगा, आई डोंट नो। सो लेट मी से, ये इंडिया वाला वर्ड बेसिकली इंडस से ही ड्राइव होकर आ रहा है, इंडस। ओके अब मैं एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं आपको कि जो सबसे पहले जो आर्यंस आए थे, आर्यंस का मतलब होता है जो लोग बाहर से शिफ्ट होकर सेटल सेटल होकर यहां हिंदुस्तान आए थे, तो बेसिकली उनको आर्यंस कहते हैं। दे वर द फॉरनर्स ऑफ कोर्स। सो बेसिकली जो सबसे पहले आर्यंस यहां पर आए थे, जो पर्शियन रूलर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, बेसिकली इंडियन टेरिटरी, वो जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया यानी इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न जो टेरिटरी जो हिस्सा है, उसमें जब उन लोगों ने यहां पर आए तो उन लोगों ने उस टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया। और उस कब्जे में वहां पर लेने का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके, लेकिन लोगों के साथ इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी था। तो उस इंट्रैक्शन के लिए उन्होंने प्रनाउंस करना शुरू किया, और इस तरीके से उन्होंने यहां पर इंडस जो नदी है, इंडस रिवर जो है, बेसिकली ये वर्ड जो देख रहे हैं आप इंडस, और पर्शियन ग्रामर में इस तरीके से आई को कहीं ना कहीं वो लोग प्रनाउंस नहीं करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई दैट इज इंडस, उन्होंने सिंधु वाला वर्ड यूज किया, नॉट इंदू, नॉट इंडस, दैट इज सिंधु। ओके सो बेसिकली जब उन्होंने सिंधु वाला वर्ड यूज किया, और ये सिंधु वाला वर्ड में एस वो लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये हिंदू वाला वर्ड बेसिकली यहां पर यूज किया। आगे सबको समझ में आ रहा है। ओके सो अब हम लोग इसके अर्लीस्ट जो साइट्स थे बेसिकली, उन साइट्स के बारे में बात करेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।